सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड से जो लोगों की मौत हो रही है, वो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अभी 80 के पार ये मौत का आंकड़ा पहुंच गया है, जिससे पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। और अभी बता दें कि अभी भी यह आंकड़ा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कई लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहे हैं, कई लोग जो है वो अभी भी इलाजरत हैं। और इसी बीच परिजनों के बीच भी हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। जिन लोगों का भी इलाज अस्पताल में चल रहा है, वो एक एक कर मरते ही जा रहे हैं, वो वापस से घर लौट नहीं रहे हैं। बता दें कि इस मामले में SIT टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें बड़े शराब माफिया जो है अनिल सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके तहत ऑपरेशन क्लीन जो है वह भी चलाए जा रहे हैं, जिसके रडार में ना सिर्फ शराब माफिया आ रहे हैं, बल्कि जो पुलिस पदाधिकारी है, अधिकारी है, वह भी शामिल है। हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर छपरा के पुलिस अधीक्षक जो है सख्त एक्शन लेते हुए इसवापुर थाना अध्यक्ष संजय राम, चौकीदार हरिराय, दफादार कृष्ण सिंह और मशरक थाना के चौकीदार रामनाथ मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं मशरक थाना अध्यक्ष एवं एक चौकीदार जो है वो पहले से ही निलंबित हो चुके हैं। और बता दें कि आपको कि इसके अलावा साथ ही कई अन्य पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की भी गतिविधि पर सघन जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये कांड हुए हैं, इसमें SIT की टीम जो है वो गठन हुई है, और वहीं ऑपरेशन क्लीन जो है भी चलाए जा रहे हैं। और इस मामले में बता दें कि शराब माफिया अनिल सिंह की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन अन्य जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन पे भी नज़र रखे जा रहे हैं। बता दें कि इसके रडार में पुलिसकर्मी भी आए हैं, और जो थाना के पुलिसकर्मी हैं उनके भी हर एक गतिविधि पर नज़र रखे जा रहे हैं। बता दें आपको कि ऑपरेशन क्लीन के तहत करीब 271 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि करीब 6000 लीटर शराब और 21 वाहन जो है वह भी जब्त किए गए हैं। बता दें आपको कि अभी ये सिलसिला आगे चल ही रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऑपरेशन क्लीन के तहत अगर इसके रडार पे कोई भी अधिकारी आते हैं, तो वह भी इसमें शामिल होंगे, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर इसमें शामिल जितने भी शराब कारोबारी हैं, वह भी अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो उन्हें भी एक एक कर पकड़ा जाएगा। बता दें कि जो छपरा शराब कांड में लोगों की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, भयावह है, क्योंकि जो लोग भी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है, वो सही तरीके से ठीक होकर वापस घर नहीं लौट रहे हैं। और इस मामले में जो स्थानीय है, उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो थाना है वहाँ के, वो थाना की ही इसमें संलिप्तता है, क्योंकि थाना से स्प्रिट का कंटेनर जो है वह भी गायब है। और जो स्थानीय है वो यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिसकर्मी, थानेदार की संलिप्तता है, तभी इतना बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। और बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए हुए करीब 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यह साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि अभी पूर्ण रूपेण शराबबंदी कानून जो है वो सफल नहीं हो पाए हैं। और वहीं अब तक 6 साल बीतने के बाद अब तक जो है ये छपरा शराब कांड जो है सबसे बड़ी घटना इसमें शामिल हो रही है, और इसको लेकर हर तरफ राजनीतिक दल के लोग जो है वह भी अपनी राजनीति रोटी जो है सेकने में लगे हुए हैं। कई लोग वहाँ के परिजन जो है उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं, और मुआवजा देने की भी बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देख रहे हैं लाइव सिटीज़। धन्यवाद।